Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفاطم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي أصحابه وبارك وسلم أما بعد Subhana Hakana Azabanar. Iski tafsir mein likha hai ki roze qiyamat mein hashr ka maidan mein Allah subhanahu wa taala ki taraf se awaaz hogi puri hashr ke andar hashr ke हालात से हम वाकिफ हैं पढ़ते रहते हैं कुरान में आयत हैं सुनते रहते हैं तो ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक आवाज़ बुलंद होगी और कहा जाएगा कि वो लोग किधर हैं जो दुनिया के अंदर ये कहते थे सुब्हान का फकन अज़ाब अन्नार तो जब यह आवाज़ आएगी अल्लाह की तरफ से तो हश्र के मैदान में सुबहानअल्लाह वो लोग जो दुनिया के अंदर चलते फिरते उठते हर वक्त अल्लाह को जिक्र करते थे वो जमात खड़ी हो जाएगी पर हश्र वाले लोगों को देखेंगे ये कौन लोग हैं सुबहान का फकन अज़ामनार अल्लाह ताला की सभास पर अल्लाह के जिक्र करने वाली जमात खड़ी होगी और सारे हश्र वाले सारे लोग पर अल्लाह के जिक्र करने वाले को देखेंगे कि सुबहान अल्लाह कैसा ट्रीटमेंट दे रहे अल्लाह पाक कैसे मौके पर तो वो कहेंगे लोग खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करने या अल्लाह हम ही थे जो दुनिया के अंदर हम यही करते थे और यही कहते थे सुबहान का हक नाजा बंदार तेरा जिक्र भी करते रहते थे तुझे याद भी करते रहते थे और जैसे जैसे जिक्र करते थे उसी कदर हमारा यकीन तेरी बातों पे इतना बुलंद होता जाता था कि हम फिर तो से ही की चीज़ मांगते थे कि अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाना और जहन्नुम की आग से महफूज फरमा लेना तो यहाँ उसने लिखा है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं हकीकत में दुनिया में अल्लाह ताला से जो चीज़ मांगना शुरू करते हैं वो जहन्नुम से पना है उसकी वजह यह है कि अल्लाह का जिक्र करने वाला जो है उसकी ये सिफत है कि अल्लाह के जिक्र से उसके अंदर इतना शऊर पैदा हो जाता है कि गुनाहों से बचने की उसके अंदर जो है ताकत पैदा होती है ये अल्लाह का जिक्र की शान है बताते हैं कि भाई जिस कदर इंसान जिक्र करेगा उसके जिक्र की कबूलियत की निशानी यही है कि वो अल्लाह की नाफरमानियों से बचेगा गुनाह उसकी ज़िंदगी में बहुत कम होंगे फिर
अगर जैसे हम देखना चाहते हैं पे हमारा जिक्र मकबूल है अल्लाह के नज़दीक किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र के वो इनामात हमें मिलेंगे जो हम आखिरत मिलेंगे अल्लाह के जिक्र के, तो उसकी निशानी यही है। अल्लाह के नज़दीक जिनका जिक्र मकबूल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग गुनाहों से बेनतहा मुहतात होते हैं ज़िंदगी में। हर पल उनका ये ख्याल होता है कि हमसे कोई गुनाह ना हो, और उनकी ज़िंदगी जो होती है बहुत ही मुहतात ज़िंदगी बन जाती है। जब ये कैफियत पैदा हो जाए जिक्र के साथ, तो समझो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है इसका कबूल हो रहा है, मकबूल हो रहा है। बाकी ये निशानी जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र के साथ ये हो जाता है फलां हो जाता है, ये मकबूलियत नहीं है, मकबूलियत यही है। पता ही चलता है मकसद जिक्र भी है ये इंसान का, कि अल्लाह के जिक्र से जो उन्होंने बताया क़यामत पता चलेगा कि सुबहानक फ़ज़लुन्नार, अल्लाह के जिक्र करने वाले लोग मकसद ये है आखिरत कि हम अल्लाह की नाराज़गियों से बचें, अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उससे बचाए। क्योंकि देखेंगे बात तो यही है, बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए गुनाहों से बचना। इबादत करना इंसान के लिए आसान हो जाता है, लेकिन नाफरमानियों से बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये इबादत जो है अल्लाह का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत काम करता है, ये कैफियत पैदा करता है इंसान में, जो चाहे कि भाई मैं अल्लाह की नाफरमानी से बचूं, जहन्नुम के अज़ाबों से बचूं, तो उसको ये अमल मुस्तैदी से पकड़ लेना चाहिए अल्लाह का जिक्र, इसकी शान है, इसे बताया गया तफसीर में। इसी शान के साथ उनको खड़ा किया जाएगा, तुम्हारा जिक्र दुनिया में मकबूल था, तुम्हारा कहना सुबहाना का पकना जमना तो मकबूल दुनिया में हो गया था, कि वाकई हमने तुम्हें दुनिया के अंदर ही बरी कर दिया था जहन्नुम से। देखिए जब ये अल्लाह के जिक्र के देखें कितनी शान बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई जिक्र करने से इंसान जो है गुनाहों से बचता है। जैसे एक हदीस है ना कि सबसे ज़्यादा कब्र के अज़ाब में जो अमल बचाएगा हमें अज़ाब कब्र से, वो अल्लाह का जिक्र होगा। देखना क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र करने वाला आदमी जो है उसका मामला यही है, जिक्र देते ही यही है चीज़, जिक्र देते ही ये चीज़ है कि गुनाहों से बचाता है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा देता है। बाद लोग कहते हैं कि भाई हम तो इतने पाक साफ नहीं है, बुजुर्ग थोड़े ना अल्लाह का जिक्र करें, ये तो हाई गुनाहगारों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मरीज हैं, गुनाह हमसे होते रहते हैं और बचना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में है हम, दुनिया के साथ कारोबार है हमारा, तो कितनी अच्छी चीज़ अल्लाह पाक ने दी है, तुम बस जिक्र पर लग जाओ इंशाल्लाह जिक्र अपना काम कर देगा अल्लाह के फजल से, तुम्हें गुनाहों से निकालेगा, एहसास पैदा करेगा, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुलंद होता चला जाता है आदमी, फिर गुनाहों से बचना शुरू हो जाता है। जो इस कैफियत में गुजर रहे अल्लाह के जिक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक है उस शख्स पर, मुस्तहिक मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, तू वही शख्स होगा जिसके लिए तेरी आवाज़ लगेगी रोज़े क़यामत के अंदर, वही उठेंगे लोग कि जो गुनाहों से बचे होंगे अल्लाह के जिक्र के साथ। कितना अल्लाह पाक ने देखें बुलंद किया अल्लाह ताला ने जिक्र के लोगों को, ये कम बात नहीं। पहले तो ये है कि हश्र के मैदान के नारे पड़ेंगे अल्लाह की तरफ से कि उठो तुम लोग, सारी दुनिया उनको देखेगी, कम एजाज़ है इंसान के लिए। और फिर हदीस में आता है कि फिर अल्लाह ताला उनको एक अजीब शान देगा उनको, उन्होंने मेहनत की है दुनिया के अंदर, जब दुनिया मज़े करती थी, बदमाशी करती थी, उल्टी सीधी हरकतें करती थी, गुनाह करती थी, तो वो डरते थे इन गुनाहों से, अल्लाह का खौफ था, और वो अल्लाह के जिक्र का सहारा लेते थे कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाहों से बचाओ। ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो जिक्र करने वाले लोग हैं कि वो हमेशा जिक्र करते वक्त मद्देनजर रखें कि हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए, बस गुनाह हमसे ना, हम गुनाहों से बचें किस तरीके से। फिर वो छोटे छोटे गुनाह भी जो उनको बड़े बड़े नजर आएंगे, हमसे ये ना कि छोटा नहीं, बस अल्लाह की नाफरमानी जो है उससे हमने बचना है, तब जाके जिक्र काम है। क्योंकि हम दवा इसी ले ही इसी ले रहे हैं, अगर ये दवा हम पे कारमद नहीं हो रही अल्लाह हुआ कुछ, तो फिर समझे बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है वो, क्या आदमी क्या क्या कमी है, बड़ी तशवीश की बात है, बहुत डेंजरस बात है कि भाई दवाई भी खा रहा है उसके बाद भी गुनाहों से नहीं बच रहा, कहीं उसके ईमान के अंदर तो डगमग नहीं, अल्लाह ताला से यकीन है तो कुछ कमजोरी नहीं आ रही, क्या हो जाएगी इतनी ज़बरदस्त चीज़ कर रहा है उसके बाद भी गुनाह उससे हो रहा है, फिर भी उसके दिल के अंदर कोई खौफ अल्लाह का नहीं आ रहा, फिर भी वो काम ऐसे कर जाता है और कर रहा है, तो यकीनन फिर जो है कि बहुत ख़तरनाक हालत के अंदर है इंसान। कसरत से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला ये जिक्र का असर मेरे वजूद पे डाल,
मुझे ऐसा कर कि मैं वाकई मुझे महसूस हो कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं और मेरे गुनाहों की तरफ मेरे कदम आंख हाथ नहीं उठ रहे। बहुत ही हर वक्त हमारे ये जो हम हर ईमान वाले मर्द औरत के लिए सबसे बड़ी चीज वह शाम तक जो है कि अपने आप को टटोले कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो रही हो। खुले फील्ड में ना पढ़ना आदमी फिरता रहे कि बस ठीक है जो हो रहा है सही है, मैंने ये कर लिया, मैंने फला कर लिया, नहीं। बहुत ही एहतियात हर वक्त उसके कांटा लगा हो ना इंसान के जिसमें वो खटकता रहता है, दर्द होता रहता है, इसी तरह हर वक्त उसका ध्यान हो कि अल्लाह ताला मुझसे कोई नाफरमानी ना हो जाए। अगर नाफरमानी की हालत मेरी मौत होगी तो जहन्नुम है, मैं क्या करूंगा। कि एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के अंदर बुलंद होना चाहिए अल्लाह के जिक्र के साथ। अल्लाह का नाम ही उसके अंदर तब्दीली नहीं ला रहा, ये रेवोल्यूशन नहीं आ रहा, ये इनकलाब नहीं आ रहा, तो फिर इंसान भाई बहुत खतरे में, बहुत ही खतरे में हो जाता है इंसान। इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंसान को जिक्र के बाद अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला जिक्र का असरात मेरे पैदा फरमा और मुझे गुनाहों से बचाओ। जब इंशाल्लाह कितना ऊंचा दर्जा दिया, जब ये पोजीशन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह कि गुनाहों से बचेगा भी और अल्लाह का जिक्र भी करेगा, तो फिर रोजे क़यामत में अल्लाह ताला की आवाज निकलेगी, आ जाओ खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़ा कर दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला कहेगा ये मामूली चीज तो, ये तो जाहिर हो गए ये लोग कि इनके मुकाम कितने बुलंद हैं, कितने बुलंद मुकाम इन लोगों को जिन्होंने मेहनत की है गुनाहों से बचने के लिए, मेरा बताया हुआ इलाज किया है। अल्लाह ताला फिर वहाँ क्या काम करेंगे, हदीस में ये लफ्ज़ है, ज़ायल मामले पढ़ते होंगे हम, अल्लाह होगा तो फिर होगा क्या, अखदम लहम लहा, अल्लाह ताला पूरे उस क़यामत के अंदर एक झंडा तैयार कराएंगे, लहा अल्लाह की तरफ से एक झंडा बनाया जाएगा, झंडा वो क्या झंडा होगा, पूरे हश्र वाले देख रहे होंगे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, एक झंडा तैयार खुद लोहा तैयार किया जाएगा और फिर उस झंडे को तैयार करके सुबहानअल्लाह क्या अजमत होगी उस झंडे की, क्या शान होगी और क्या चीज़ होगी वो हम तो नहीं समझ सकते। अल्लाह फिर कहेगा उस जमात से अल्लाह तबिल्लहवा सुबहानअल्लाह, क्या लोग अल्लाह का जिक्र करने वाले दुनिया में गुनाहों से बचने वाले, अब तुम क्या करो इस झंडे के नीचे आ जाओ सारे। अल्लाह झंडे का जो इसमें जिक्र किया खास इस मुकाम के ऊपर, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ा इनाम है, क्योंकि झंडा जो साइन है वो अजमत का है, वो बहुत बड़ाई का है, वो शान का है, वो बुलंदी का है। आप ये देखते हैं जब कोई आदमी अपने मुल्क की बुलंदी करना चाहता है वो क्या बुलंद करता है, अपने मुल्क का झंडा बुलंद करता है। कोई मतलब किसी चीज में जीतते हैं फुटबॉल में कुछ, आप देखिए सबसे पहले क्या बुलंद होगा, झंडा। कि ये निशानी, ये शान है, देखो हमारे मुल्क की शान, तो सारी शान और अजमतें जो आती हैं उस झंडे में जा जाती हैं। जो आदमी कौम बड़ी होती है ना तो उसके झंडे की तरफ आदमी सोचता है, अच्छा ये उस मुल्क का झंडा है, होता है ना पाकिस्तान का झंडा है फला, जितना वो मुल्क बुलंद होगा उतना ही उसका झंडा जो है बुलंद होगा। तो वो झंडा जो है वो अजमत जाहिर करता है, शान जाहिर करता है। जब आप तसव्वुर कर लें कि रोजे क़यामत में कैसे कैसे आमाल के लोग मौजूद होंगे, कैसी कैसी हस्ती होंगी, तो उनके अंदर अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अजीम और ऊंची शान बताएगा, किसकी बताएगा, जिक्र करने वालों की। ये हदीस किसी को नहीं कहा जाएगा, तो कितना एहसास होगा अल्लाह का जिक्र करने वालों को जिन्होंने दुनिया में जिक्र किया होगा और जिक्र की वजह से गुनाहों से बच गए होंगे। ये दोनों चीजें हैं हदीस के अंदर, याद रखें बाकी ना आजाब ना साथ है सुबह अल्लाह। ये नहीं कि गुनाह भी हो रहे हैं और जिक्र भी हो रहा है, वो इस संबंध में नहीं आते आदमी, मेहनत तो उन्होंने जब कामयाब होंगे मेहनत पर अल्लाह के जिक्र के साथ, तो कितना ऊंचा एहसास है दोस्तों मुझे आप बताएं, जबकि तो जहन्नुम में जा रहे होंगे पूरे हालात के अंदर होंगे, वहां वो झंडों में खड़े होंगे और पूरी दुनिया के सामने अल्लाह उनको ऊंचा कर रहा है, ये झंडा है देखें तो आज उस झंडे के लिए जितना बहुत लगा, फिर अल्लाह ताला झंडे में खड़ा करके सारी दुनिया को दिखाएंगे ये है मेरी कौम, क्यों मेरी चीज ये की इन्होंने वो फेल किया जो सबसे ज्यादा मुझे महबूब था, क्यों वो कहेंगे ये सही कुरान पढ़ते थे, इन्होंने सही हदीस पढ़ी और इन्होंने सही पहचाना, मैं जो नारे लगाए हुए थे अपने कुरान के अंदर कि ये मैं पसंद करता हूं मुझे महबूब जिक्र करो सुबह भी जिक्र करो शाम, हम 22 पास कर जाते हैं उन आयतों को छोड़ जाते हैं, उन आयतों में तवज्जो ही नहीं करते,
लेकिन इन लोगों ने पकड़ लिया था उन आयतों को, समझ गए थे कि अल्लाह की महबूब तरीन चीज है, इसको कैसे हम छोड़ दें। तूने बाकी दुनिया की सारी चीजें छोड़ दी, बड़ी बड़ी कुरानी दी, औलाद माल जो भी उस रास्ते के अंदर आया उन्होंने अपने जिक्र को नहीं छोड़ा, है ना कुरान की आयत, अतल हुक्म तिजारत वालों औलाद जिक्रिल्लाह, ना औलाद ना तिजारत ना माल, सब कुछ उन्होंने कुरबान किया लेकिन किसको नहीं छोड़ा, अल्लाह का जिक्र को नहीं छोड़ा हमने। नहीं भाई, प्रायरिटी दी जिक्र को, कारोबार भी करते हैं तो जिक्र को प्रायरिटी, नौकरी करते हैं तो जिक्र को प्रायरिटी दी, क्योंकि असल चीज तो कामयाब वाला तो चीज है ही नहीं, जो काम आएगा वो कौन आएगा, जिक्र है। तो हर चीज जब इंसान कुर्बानी देता है, उस पर जस्तजू करता है, उस चीज को हासिल करने मेहनत करता है, तो क्या वो चीज तभी तो पसंद की जाती है। तो जाहिर है ये कैसी इबादत है जिसको नफली है, जरूरी नहीं है, बहुत सी स्टोरी डाल के खत्म कर देते हैं, लेकिन चलो नफली है, जरूरी नहीं है, जो कुछ आप कर लें, लेकिन एक चीज तो है जो कुरान कहता है कि अल्लाह को महबूब तो है। तो अल्लाह ने किस तरीके से इसकी तरफ, ठीक है तुम कहते रहो, लेकिन जो अल्लाह को प्यार करने वाले लोग होंगे वो इसको पकड़ लेंगे, इसलिए कि अल्लाह को महबूब हो यार कैसे छोड़ दे। तो यहां यह भी पता चलता है कि इनको अल्लाह से प्यार था, जो किसी से प्यार करते हैं उसकी महबूब चीज को पकड़ता है। तो ये बात अल्लाह का जिक्र करने वाले, तो ये बात रखना है कि भाई हर चीज में कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये नहीं कि ये भी हो जाए तो वो भी हो जाए, नहीं। पर मैं पहले कह दिया कि जिक्र के लिए कुर्बानी देनी पड़ेंगी, माल औलाद जो कुछ भी है उनके रास्ते में, दातुल हुक्म वालिकुम औला, तिजारत भी है, माल भी है, सब है। और इन्हीं चीजों के अंदर क्या होता है, तिजारतों में, माल में, औलाद में, कारोबारों में, बिजनेस, यही गुनाह होते हैं, यही गुनाह कराते हैं हमारे से, ये हराम खिलवाते हैं, यही हमें बर्बाद करते हैं, यही तो अंदाजा लगाए, इन्हीं की वजह से हमारी सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, ये तिजारत माल औलाद। तो यहां जिक्र के साथ इसलिए मिलाया सुभान अल्लाह कि जब ये जिक्र करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि उन इन चीजों के लिए गुनाह भी नहीं करते, उनकी हद छाड़, हद लगा देते हैं, तो यहां तक है हमारी तुमसे मोहब्बत है, हम तुमसे मोहब्बत यहां इस हद तक करेंगे कि तुम्हारी मोहब्बत में हराम काम नहीं करेंगे, हराम चीजों की तरफ हम नहीं जाएंगे, बेशक कुछ नहीं है, अपनी मोहब्बतों को ये लाते यहां कुर्बान करते हैं हर चीज को, ये सच्चे जाकिर है। तो ऐसी थोड़ी बस तस्बीह करने के बाद इतना बड़ा मुकाम मिल जाएगा कि एक झंडा बनाया जाएगा अल्लाह की तरफ से झंडा, और उस झंडे में फिर खड़ा किया जाएगा और पूरी दुनिया से अजमत शान उनकी बुलंदी को देखेगी कि कितने बुलंद लोग हैं ये। वहां तो मुसीबत ये पड़ी होगी यार, इतनी फैसला हो जाएगा भाई हम जन्नत में चले जाएं, जहन्नुम से बच जाएं, कोई हमारी यहां कोई इतना भी हो जाए हमारे साथ कि भाई चलो तुम्हें डी ग्रेड बहुत ही नीची जन्नत दी जाए, ये भी बहुत हो जाएगा हमारे लिए कि जहन्नुम से आ, वहां तो ये ख्वाहिशें होंगी और वहां ये हो रहा होगा, उनको तो बुलंद किया जा रहा है, इतना इतनी VIP बना दिया जाएगा उनको, बनाने के बाद फिर क्या कह जाएगा झंडे में खड़ा करके, क्या उस झंडे में क्या क्या चीजें होंगी अल्लाह की तरफ से, क्या ये नहीं हुई झंडा खड़ा है आप खड़े हुए मुल्क का झंडा है, ये वाला वहां झंडा नहीं होगा, ये तो एक मिसाल दी अल्लाह पाक के झंडे की, वो तो झंडा ऐसा होगा कि दुनिया के सुकून उसके अंदर होंगे, दुनिया की आराम उसके अंदर होंगे, दुनिया की नेमतें उसके अंदर होंगी, क्योंकि वो चार घंटे की बात तो नहीं है, दो घंटे की, वहां तो हजारों हजारों साल का दिन होगा, हजारों हजारों साल के दिन होंगे, और चल रहे होंगे लोग, पसीने में होंगे, आप उस झंडे के नीचे क्या तमाम अल्लाह ने दिया होगा, कैसे फीस्ट होंगे, कैसे खाने होंगे, किस किस्म के आजाज दिए होंगे, सिर्फ किस लिए, लातुल हुक्म, उन्होंने यहां हराम को छोड़ दिया था, अल्लाह का जिक्र को सही पकड़ते, दामा नहीं किया था। तो जाकिर को चाहिए जिक्र करे, हराम ना करे, जिक्र करता है और हराम करता है वो अपने आप को बर्बाद करता है। जिससे कहते हैं दूध भी देता है मिंगनिया पाके, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दूध पिलाया भी किसी को तो उसमें मिंगनी डाल के दी उसका फायदा क्या हो, अल्लाह को याद भी कर रहे हैं और गुनाह भी साथ में करते हैं, और कोशिश भी नहीं करते, निदामत भी नहीं है, शर्मिंदगी भी नहीं है, मेरे जू भी नहीं दिखती, क्या करें सब बस सब कर रहे, तुम क्यों करते, दलीलें उन लोगों को क्यों लेते होते, इसने भी किया उसने भी किया इसने भी किया, उसकी दलील, वो तो झंडे के नीचे नहीं आ सकते, कितनी जिंदगी है, मैं कहता हूं आज का दिन गया, हमारी जिंदगी से आज का दिन निकल गया, पता है इतनी तेजी के साथ हम सफर कर रहे हैं, होश के नाखून हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम क्यों अल्लाह को नाराज करते हैं, हम क्या दे देंगे जी, हम जिनके लिए हम हराम खाते हैं, जिनके लिए हम गुनाह करते हैं, जिनके लिए हम फ्रॉड करते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, मैं तो कहता हूं आपके लिए फाता भी नहीं पड़ेंगे, लिख के दे देता हूं, क्यों आप कितना कर रहे हैं, कभी दादा को याद किया,
दादी को याद किया कितनी दफा आप उनके लिए सोयासनी पढ़ते हैं, कितनी दफा अपने बाप को बख्शते हैं, कितने लोग यहां से बैठेंगे जिनको अपने बाप का फिक्र है। बेटे का बहुत फिक्र है, लेकिन जिसने आपको पाला उसके लिए आपको क्या फिक्र है? आप उसको कितने कुरान बख्श देते हैं, आप उनके लिए कितने रोते हैं, कभी रात को सोते हैं आपने मलाका भैया कि मेरे किस हालत में होंगे मेरा बाप इस वक्त, मुझे बताएं। तो कल आपको कौन याद करेगा? फिर गुनाह करने के बाद आप मरेंगे तो अल्लाह ताला बेचे को तो आपका नाफरमान बना देगा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद कर देते हैं उसके लिए सवाब के। जो अल्लाह का नाफरमान होकर मरता है, याद रखें उसके लिए सारे, बेशक आप हाफिज रखें बेटे, आलिम रखें, जो कुछ रखें, आप मरते हैं और नाफरमान होकर मरते हैं तो उन दरवाजों को बंद कर देगा अल्लाह ताला, उनके सवाब आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। और जो अल्लाह सुभान अल्लाह जो फरमाबरदारी के साथ मरते हैं और जो अल्लाह के अमाल जो नेक अमालों के साथ जाते हैं, गुनाहों से बच के दुनिया से जाते हैं, अगर उनकी औलाद ऐसी है नाफरमान है दुनिया के अंदर, तो सुभान अल्लाह उनके जाने के बाद अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम फरमा देते हैं कि उनकी रूहानी औलाद छोड़ जाते हैं। अब वो उनसे ज्यादा होती है जो उनको याद करती है और कुरान बख्शती। जाए और किसी मजारत पर जाकर देखें अल्लाह वाले की किस तरह हजारों हजारों इंसान कुरान खत्म करते हैं वहां पर। दोनों चीज होती है, बिदात भी होती है, नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो लोग भी होते हैं जो सही अकायद के लोग दीन है, जब मजारों पर जाते हैं किसी से जाते हैं तो वो उनको बख्शते हैं, इसाल देते हैं, कुरान का इसाल सवाब करते हैं कि अल्लाह क्या कहने एक बंदा पड़ा है, इसने लाखों लोगों को मुसलमान किया है, लाखों लोगों से सुन्नत पे चलाया, लाखों लोगों के दीन सही किए हैं। जब लोग मजे करते थे, ये लोगों को दर्द लेके घूमता फिरता था, जब लोग याशी करते थे, मापाल कमाते थे, वो अपने पेट पे पत्थर रखे लोगों का फिक्र करता था, उनको दीन बताता था, तो उसके लिए अल्लाह छोड़ देगा? हालांकि तू फिक्र ना कर, तेरे पीछे कोई नहीं है, तुझे तेरे घर में कोई बख्शने वाला नहीं, तेरी बच्ची तुझे बख्शने वाली नहीं, तेरी औलाद बख्शने वाली, पैगंबरों की भी तो औलाद जो है ना फरमान हुई है नहीं, इसकी फिक्र ना करना कि अगर तू फरमाबरदार है, तू नेक है और तेरी औलाद में कुछ नहीं है, तो तुझे कुछ नहीं है, तो मैं ऐसी औलाद पैदा कर दूंगा जो उससे भी ज्यादा तुझे बख्शने वाली। हटेगा सौदा ही, हम इस पर इतना नहीं, मेरा मित्र तो मैं उसके लिए जो हराम खाते हैं, जो बकवासबाजी करते हैं, जो लफंगडेबाजें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना वो अपने, हमने अपने जहनों में आग ले, हम तो सही रहे भाई। अगर खाने आते भाई ये 10 पाउंड ही है मेरे बच्चा, 10 पाउंड गुजार कर लो बेटा, मैं तो सिक्योरिटी दिला सकता हूँ, चलना है तो इस पर चल जाओ, बाकी मेरी मोहब्बत जो इससे आगे नहीं बढ़ सकती कि मैं हराम लेके तुझे मर्सिडीज दिला दूं और खुद मैं जहनों में चले जाऊं और तू मजे करता फिर, तो सीटी मारता है भाई लड़कियों पे, जितना वो बदमाशी करेंगे मरने के बाद उसका अजाब तो पहुंचेगा लेकिन सवाब नहीं पहुंचेगा, दरवाजे बंद होंगे। कैसे कैसे इम्तिहानों से हमने गुजरना है दोस्तों, जरा सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, अभी भी तौबा करके सीधे हो जाए तो मामला बन जाता, अभी भी कहें हमने बड़ी गलती की है, हम तो बस तबाह रहे इन बातों के लिए, हमने तो कुछ सोचे नहीं, सही कह रहा हूं दोस्तों, गलत कह रहा हूं, सोचिए ये हाल है हमारा, कौन सुनता है किसे। एक सवाल मुझे कहने के साहब बहुत अच्छा होता है आपका जिक्र ये फला कि आते थे, तो कह रहे जी लोग बहुत थोड़े आते हैं। मैं हंस पड़ा, मैं कहा जी लोग तो थोड़े आते हैं, आते तो हैं। मैंने कहा भाई कयामत की निशानी यही तो है कि अच्छी चीज, अच्छे अमाल, नेकियों वाले काम पे लोग भागने शुरू हो जाएंगे। आज ही मैं कहूँ जी ये फलां 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 हो रहा है तो पूरी मस्जिद भर जाएगी, हो गए नहीं हो, लेकिन जहां नेकी का काम होता है, जो क्यामत में बचाने वाला काम होता है, जब हदीस में आपको सुना रहा हूं ये कम दर्जा है, इस हदीस को सुनने के बाद अगर कोई मोमिन है या मोमिन औरत है, इस जिसके जिसमें आखिर का फिक्र है खुदा की किस्म, वो तो भाग के दौड़ेगा अल्लाह के जिक्र की तरफ, कितनी बड़ी चीज मुझे मिल रही है, वो तो रुकेगा नहीं, अपनी औलादों को कहेगा अल्लाह के वास्ते अल्लाह के जिक्र की तरफ जाओ, इतनी ऊंची चीज मिल रही है। खड़े हो जाओ झंडे के, पता है कितने साल उस झंडे में मजे करेंगे, आप ही होंगे जिक्र करने वाले, अल्लाह ताला मुझे आपको गुनाहों से बचाए तो अल्लाह हमें बुलाएगा, बस एक काम कर लें, गुनाह ना करें, जिक्र तो करते हैं हम, ये भी छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करना, नहीं चस्के लेने, नहीं देखने ड्रामे, नहीं बकवासबाजी करनी, नहीं हराम खाना, हलाल भी का पेट में डाल के देखें ना जायका बदल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, नहीं पता है, सब पिछले चार कदम के देखी जाएगी, यार भूखे मरेंगे ना मर जाते हैं, नहीं मरेंगे भूखे, उससे अच्छा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, हलाल बहुत से होते हैं। हाय हाय, तो फिर अल्लाह ताला पुत्र हजारों साल मजे करके, तो फिर अल्लाह ताला कहेगा ये तो बुला, बैठ जाओ उसमें, खड़े रहो,
उसको दिल नहीं होगा अब क्या जन यही सब कुछ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो भूल ही जाएंगे तो जाना बसे में बैठे होंगे गुप मारे वहां भी और तेरा क्या हाल है जहाँ और क्या आप जन्नत की तैयारी के लिए बैठे होंगे, जैसे जन्नत में जाने के लिए सवारी आ रही है जन्नत में जा रहे हैं तो अल्लाह सैलान होगा सुबह कौल अल्लाह कहेगा कौल अलहमद खालिदून है मेरी जमात तैयार हो जाओ क्या कि झंडे के साथ ताकि जन्नत वाले भी देखें तुम्हें सुबह अल्लाह इस झंडे के साथ इस झंडे के साथ तैयार हो जाओ और इसी के अंदर जाते के साथ जुलूस की शिकल में तुम्हें यहां से निकालता तुम्हें ले जाऊंगा कहां काल अल्लाह मत को जन्ना जन्नत में भेजूंगा और हमेशा हमेशा के लिए दाखिल कर दूंगा। यह हदीस के तर्जमा मेरा अब हम अपनी जिंदगी को जरा देख लें एक फेल बताया अल्लाह पाक ने वो क्या है अल्लाह का जिक्र एक फेल बताया हम जिक्र कर लें तो भाई क्या नुकसान है करना चाहिए नहीं बताए क्या चीज है ये काम नहीं ये शरीयत और कुरान हदीस है यहां पर वो चजाब नहीं है हमारा अल्लाह ताला ने चीजों से बचाए। तो भाई बात ये है कि अब हमारे पास एक अमल चाहिए क्या चाहिए अल्लाह का हमें एक चीज मैं आपको बताता हूं कमजोर है दुनिया सब कुछ है किसी चीज को अख्तियार करने के लिए एक बहुत आसान चीज दुनिया में सिखाती है दुनिया में सिखाती है। अब जिक्र हम हदीस सुना रहे हैं यार फिर भी आदमी जी करेंगे है ना लोगों से कितनी कितनी मैं हदीस सुनाता हूँ और फिर भी जिससे उस आदमी का जी लोग बहुत थोड़े आते हैं तो भाई वजह इसकी ये है अब अक्सर यह बात समझ लेते हैं हम ठीक है ना लेकिन अमल मुश्किल हो जाता है मुश्किल होता है ना यार अब करें हाँ करूंगा शुरू करूंगा शैतान उसको रोड़े मारते हैं तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो अमल आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से कैसे ये दुनिया के स्कूल से मैं आपको बता जल्दी समझ जाएंगे भाई आपका बच्चा है तो मैं मिसाल देता हूँ चलो डॉक्टर एक डॉक्टर है तो उसका बच्चा है बेटी है आप देखेंगे डॉक्टर के बच्चे जो है डॉक्टर बहुत जल्दी बनेंगे और अक्सर डॉक्टरों के हमें डॉक्टर निकलते नजर आएंगे आप प्रोडक्शन वही होगी। एक आदमी कारोबारी दुकान चलाता है उसके बेटे ने आखिर क्या करना है बस जी मैं तो जा रहा हूँ वो बेटे ने दुकान भी चलना है मोस्टली यही होता है बेशक उसने डिग्री कर ली सब कुछ कर ली उसने वही करना जो बाप छोड़ गया चीज होता ही नहीं था अच्छा एक नाम कोई और काम कर रहा है तो बाप का जो बेटा है वो उसी रंग में ज्यादा जाएगा उसमें यही चलेगा दुकानदारी का मजा आएगा सब कुछ आएगा सलाह इतने और भी हूं लेकिन क्या है कि वो तुम्हें बाप का इससे एक चीज पता चलती है बड़े आसान थे नुस्खा है पता चलता है कि क्योंकि उसका बाप डॉक्टर था या दुकानदार था या अकाउंटेंट था तो वो लाइन पर उससे चलना शुरू हो गया और उसके बेटा भी वो बेटी भी हो फलां भी वो कर क्यों इसलिए कि उस बच्चे को जो तरबियत मिली जो सोबत मिली वो किसकी थी वो इस चीज की थी जब वो सोबत मिली तो उसमें वो चीजें पैदा हो गई वो डिवेलप कर गई उसको वो चीज पसंद आने लगी उसको दुकानदारी पसंद आने मेरा बाप तो खुद ब खुद उसमें मोहब्बत पैदा हो गई। तो बड़ी आसान तरीके से आप समझ कर कि अगर आपने जिक्र करना है तो किसी जिक्र वाले से मोहब्बत कर लें बहुत आसान तरीका है भाई आप में कमजोरी है और पता चल रहा है फलां मस्जिद में जिक्र मजलिस लग रही है तो आप वहां चले जब जिक्र वालों के साथ बैठेंगे तो अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया बहुत आसान कर दिया कौन वहां साथ की ये खुद कुरान ने कहा है कि तेरे लिए अकेला बड़ा मुश्किल होगा तो टंडियां मारता रहेगा तो जाएगा उसके लिए कि सोबत वो अख्तियार कर ले जो तुझे चाहिए वो सोबत अख्तियार कर ले वही हो जाएगा नहीं समझ मेरी बात बड़ी आसान तरीके अब आपने बच्चों को जाकिर बनाना है बच्चों को जिक्र की मजलिस में ले आया करें जैसे ये बच्चा बैठा है तो अपने जिक्र में शुरू कर देंगे मैं बहुत से सुना गई 3 साल की मेरी बच्ची है तो ऐसा जिक्र करती है क्योंकि आपने उसको सोबत दे दी है सुभानअल्लाह उस बच्चे में क्या शऊर था 4 साल की बच्चे इश्क हो गया अल्लाह जिक्र से कलमात उसको चलना शुरू हो गया क्योंकि उसकी तरबियत किस पे चली जिक्र पे। तो इसी तरह अगर हम कमजोर हैं जिक्र नहीं हो रहा तो बड़ा आसान तरीका है कि उस सोबत में बैठना शुरू हो जाए क्योंकि आपको पता है कि मंजिल है यही बनना मैंने जाकिरी है होना मैंने जाकिर है तो फिर उसका तरीका ही है कि जितनी भी कमजोरी होंगी लेकिन अगर आप उस कंपनी में बैठना शुरू हो जाएंगे ऐसा आदमी को दोस्त बना लेंगे तो इंशाल्लाह आप वही बन जाएंगे। तो बड़ा आसान रास्ता अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे तो नतीजा ये निकला कि सबसे बेहतरीन अच्छा जो कुरान हदीस बताती है वो क्या अमल है आखिर में काम आने वाला अल्लाह का जिक्र है। तो उसको करने का तरीका क्या है कि किस वक्त अख्तियार करके हम अल्लाह के जिक्र में चले जाए बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सारी जिंदगी में सुस्ती होगी कोई बात नहीं, अभी हम मौजूद हैं और अल्लाह के जिक्र को मौजूद है। देखें इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, ये मैं कह रहा हम नफिल छोड़ दें, कुरान की तलावत छोड़ दें या और बाकी जो करते हैं या तबलीग दीन छोड़ दें, ये नहीं मतलब इसका, ये तो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमने क्या है जिक्र को अपनी जिंदगी में ले आना है, जिक्र को ले आना है। उसके लिए यह है कि हम किसी जिक्र वाले से सोहबत में बैठें, मोहब्बत करें, और इंशाल्लाह ये अगला टॉपिक है कि सोहबत से क्या फ़ायदे होते हैं और सोहबत का मतलब क्या है और सोहबत करती क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौका मिला तो उस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि जैसे बनना है वैसे बंदे पास बैठना शुरू हो जाए। बस आपने हलवाई बनना है तो उस हलवाई से दोस्ती कर लें, और क्या हाल है ठीक ठाक है, वैसे मिलते मिलते आप जो है ना उसके माल लड्डू खाते खाते खुद लड्डू बनाना शुरू हो जाए, बहुत आसानी से। तो ऐसी है कि जिक्र वाले के पास बैठेंगे, जिक्र करते करते खुद जिक्र करने वाले हो जाएंगे, लोगों को जिक्र बताना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।